तो अभी बजे सुबह के 3:30 और अभी प्लान कुछ ऐसा है कि अभी कुछ खाऊंगा बिकॉज आई एम सो हंग्री एंड स्लीपी एंड समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प मी स्टे अवेक इज दिस शिट। अदरवाइज तो इम्पॉसिबल सी जर्नी लग रही है। मेरी फैमिली रुकी एक स्पूकी सी जगह पे और मेरा भाई भी रुका एक ऐसी स्पूकी सी जगह पे और मैं जा रहा हूँ भी ऐसे एक स्पूकी सी जगह पे। इस स्पूकी सी जगह है मेरे गांव नेटिव प्लेस। तो चलते हैं बिकॉज हो रहा है लेट, इट्स 3:45 और मुझे अभी तक पैकिंग करनी बाकी है। द बेस्ट पार्ट अबाउट स्टेइंग इन मुंबई इज दिस, यू कैन ऑर्डर एनी टाइम। रास्ते में भूख लग गई तो मैं कुछ कर नहीं सकता, सो वे प्रोटीन टू द रेस्क्यू। जो मुझे लॉन्ग ट्रिप मिडनाइट के बाद निकलना पसंद है, वन ऑफ देम इज क्योंकि पूरा एक दिन बच जाता है। जैसे कि तुम अभी गोवा के लिए जा रहे हो तो रात को निकलोगे तुम मिडनाइट को तो पूरा एक दिन बच जाता है बिकॉज यू कैन रीच देयर इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून एंड देन यू कैन एंजॉय रिलैक्स अ बिट एंड देन एंजॉय। सेकेंड रीजन है कि मुझे ड्राइविंग रात को बहुत ज़्यादा पसंद है, सो लिसन टू द म्यूजिक एंड ओहो क्या बात है। एंड थर्ड रीजन इज यू गेट टू स्किप ट्रैफिक, बस ये अपनी ट्रक अपनी माँ मत चुराओ। पच्चीस मिनट हो गए इन्हीं तीन ट्रकों की शक्लें देख रहा हूँ मैं कब से। आई होप मुझे अभी तक स्पीड टिकट ना मिली हो। जब भी मैं पुणे जाता हूँ या गोवा जाता हूँ तभी मुझे एक ना एक मिनिमम तो टिकट मिलती है, या तो आते वक्त या तो जाते वक्त। और 6 hours चलाना है, द गोल इज की नॉन स्टॉप चलाओ। वेलकम टू कुंकन बाबा। इफ यू थिंक मनी कैन बाय हैप्पीनेस और यू वांट टू विजिट सम मोर प्लेसेस बिफोर यू डाई, देन बाबा कम टू सह्याद्री। हर जगह पे विंडमिल ही विंडमिल दिख रहे हैं। वेलकम टू कुंकन बाबा। संगतिल पाडाद कविदै अंगतिल यार तंदरु। Called as Pavankhind. There is a movie, Marathi movie also based on this place known as Pavankhind. It's basically how Chhatrapati Shivaji Maharaj conquered this place and fought for it. There's actually a fun fact that I want to share. I think once you're nearing your 30s, haddiyan se kuch alag cheek pukar nikalti hai.
अभी मेरे को 10 घंटा हो गया ड्राइव करके, एक स्टॉप लिया 10 मिनट का. आई एम सो टायर्ड एंड स्लीपी. यही थोड़ा यंग जेसन होता तो इजीली 14-15 आवर्स तो मैं ऐसे चलाता था विदाउट एनी कंप्लेंट. हड्डिया ओहो, यहाँ का हाईवे भी देख लो कितना खाली है. ये सेम हाईवे है जो पंजी को टच होगा. ऐसा लग रहा है हाईवे पे लॉकडाउन में गाड़ी चला रहा हूं. स्पूकी टाउन. ना बंदा ना बंदे की चाल. रॉन्ग टर्न मूवी की याद आ रही है. देखो मेरे गांव में ऐसा कोई एक दूर घर रहता है जगह पे कुछ भी नहीं है. ना बंदा ना बंदे के जा रहे. 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर है कार. एंड देन नाउ अगेन रॉन्ग टर्न सिचुएशन. कहाँ जाना है कहाँ जाना है. मेरे गांव के 150 टू 200 किलोमीटर रेडियस में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है. Finally reached. ये देखो एक भी लाइट का रे नहीं है. कोई घर नहीं है बाजू में दूर दूर तक. दिस इज माई कार. अरे पूरा पिच डार्क. दैट्स अ वेल एंड दिस इज माई हाउस. पूरा डार्क. अभी रात के कुछ बजे 12 और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलता हूँ इस गांव के बारे में कि क्यों इसको स्पूकी हॉरर सब कहा जाता है. यहाँ पे गांव में नवंबर 18, 19 एंड 20 तीन दिन का गांव पालन होता है. यानी सब लोग अपने घर बार छोड़ के सब कुछ काम धंधा छोड़ के दे गो आउटसाइड द विलेज. बेसिकली क्रॉस द बाउंड्री. सब अपना कैटल वैटल सब चिकन विकन गाय भैंस सब लेके जाते हैं जस्ट टू वर्शिप टू पे ट्रिब्यूट टू द गॉड. बेसिकली ऐसा है कि इस गांव में पूरा आइसोलेशन होता है. एसटी वेस्टी बसेस को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि तुम यहाँ पे आओगे नहीं, एंटर नहीं करेगा कोई गांव. एंड बेसिकली अगर कोई डिसाइड करता है दैट दे वांट टू स्टे बैक, ऐसा बहुत लोगों ने किया भी है. एंड मल्टीपल पीपल हैव बीन फाउंड डेड या कुछ उनके साथ गलत हुआ है या समथिंग इन दैट सॉर्ट. मेरे को तो अभी चिल्स आ रहे हैं ये सब बोलते हुए. एंड इट्स पिच डार्क. पीछे देखो. एंड दिस इज माई हाउस. जैसे भूत आएगा मैं अंदर. आई थिंक आई हियर सम स्पूकी शिट मैन. आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू गो इनसाइड. ये हम लोग की पूरी प्रॉपर्टी एकदम वास्ट प्रॉपर्टी है. सो
This house is an ancestral property house. To give you some context, this house is there for 152 years. To give you more context, my dad has turned 70. अभी ये घर तो renovate किया है. Otherwise, it was an old Goan looking kind of an house. So this property, we have like plenty mango, cashew trees, chiku trees, papaya trees. See, this is the well. इधर भूत आता है, भूत जाता है. भूत की सारी स्टोरीज यहाँ से ओरिजिनेट होती है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डोनी. दिस वॉज आर स्विमिंग पूल बैक इन द डे. और हम लोग लिटरली वी हैव टू कंसिडर दिस एज अ स्विमिंग पूल. एंड ऑफ कोर्स देयर यू सी समवन वर्किंग, दैट्स माय केयर टेकर. ये गाँव का लोग वो आता तालुका पडलो चिंदर. ये ह्या तालुक्याच्या बाहेर वसंग जाय आमका. राती बाहेर पडायचे ना दिवो पेटायचो ना. खूप वर्षांपासून चालता की रे देवपळ? खूप वर्षापासून चालता. तुझी आजी आजो तुझो तो पंजो असल्यापासून चालता. सी विल सी अ लॉट ऑफ इन्सेक्ट्स हियर टू. चिपकली होगी, साप इज नो सरप्राइज. You have to look and walk. So this is the back alley of my house. And that property is also ours. So there's a well there. I think there are two wells there. I don't prefer it here. Firstly, because Wi-Fi issues. Second, network issues. I love Konkan, by the way. So, you know, today we'll be exploring the Tarkalli side. See, there are chikus. These are like the coconut trees. Plenty coconut trees. So for day two, we have come to this amazing resort, which is like a cottage. And look at this amazing view here. I'll just exit the room. और यहाँ पे यू कैन रेंट आउट अ बोट एज वेल. ये दिख रही है बोट. और पूरा कोंकण घूम सकते इससे. अमेजिंग चिल करने के लिए भी जगह है इधर फुल. जेट स्की, यू कैन गो टू दैट आइलैंड ऑल्सो बाय टेकिंग दैट बोट. ये रात को तो बहुत अच्छा दिखेगा ये सपोज. दैट्स द रेस्टोरेंट देयर. दीज आर द कॉटेजेस. जेट स्की भी होता है यहाँ पे. एंड आई थिंक अ कपल ऑफ अदर स्पोर्ट्स. इट्स अ न्यू ए शेप टेंट दैट दे आर बिल्डिंग. एंड ऑल इन ऑल दिस रिसॉर्ट इज अमेजिंग. So here the river ends and that side is the ocean. So this place is called as Sangam Beach. On the left hand side there is Coco Shambhala. सिर्फ विंड देखो सुबह सुबह. इट्स 8 o'clock in the morning. See how windy it is.
and it's high tide. Started my journey at 9:30, so लगभग कुछ साढ़े पांच छह घंटे हो गए. And this time I'm not tired at all. Last time I think I was tired because मैं सिर्फ तीन ही घंटा सोया था और उसमें उसके बाद मैंने 13 घंटा गाड़ी चलाया था. But right now I'm not tired at all. And of course all thanks to this. ये trip all in all was amazing. भले एक दो दिन का था, but the agenda of the trip was कि मैं मेरे family के साथ time spend करूँ. बाकी सब लोग तो flight से आए और गए. Due to my odd working hours, मेरे को travel करना पड़ा गाड़ी से, but it was all worth it. And I love driving. And yeah, of course the music and speakers. சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது?